फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल, सेल की बात करते हैं अगर हम, तो सेल को बोला जाता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी सेल से बनता है, और जो डिफरेंट फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म किए जाते हैं जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएटरी, तो ये सेल से ही परफॉर्म किए जाते हैं। तो कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ सेल वन होती है, इसलिए उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे वो सिंगल सेल से किए जाएंगे उसमें। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, नंबर ऑफ सेल्स जिसमें होते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर में नंबर ऑफ सेल्स होती हैं यानी डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शन है जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, वो डिफरेंट सेल से परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं उसमें रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल्स हैं, एक्सक्रिएशन के लिए अलग सेल्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, सेल की डिस्कवरी। तो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट था जिसने ये सेल की डिस्कवरी की थी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स। तो उसने सेल की जो डिस्कवरी की है माइक्रोस्कोप की हेल्प से की है। तो ये आपके पास रॉबर्ट हुक ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें सेल की डिस्कवरी की थी। तो उसने जब माइक्रोस्कोप के अंदर कॉर्क सेल्स को देखा था, कॉर्क सेल यानी डेड सेल्स को देखा था, तो सेल की डिस्कवरी हुई थी। इसके बाद आता है हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव, यूकैरियोटिक का मतलब होता है एडवांस। प्रिमिटिव का मतलब पहले जो सेल थी उसमें कोई सेल ऑर्गेनल नहीं था। अगर कोई सेल ऑर्गेनल नहीं था, जैसे बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर ना ही कोई आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ना ही कोई सेल ऑर्गेनल नज़र आ रहे हैं। तो विदाउट सेल ऑर्गेनल है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें इसके अंदर तो क्रोमोसोम या वन या टू क्रोमोसोम्स हैं ये, और बहुत छोटा साइज है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में होती है हमारे पास प्लांट सेल और एनिमल सेल, इसलिए उसका साइज बड़ा होता है। उसमें सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और अगर हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल में, जैसे गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो ये डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में आप ये कह सकते हैं सिंगल क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स का काम होता है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करना। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल होता है, यूकैरियोटिक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में 80S होते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है। ये डायग्राम है प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेल की शेप, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की होती हैं। कोई स्फेरिकल शेप की होगी, कोई अगर हम बात करते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की सेल नज़र आ रही हैं, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये आपके पास डिफरेंट शेप की हो सकती हैं। सेल का साइज, स्मॉलेस्ट सेल को बोलते हैं माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम, PPLO भी नाम दिया जाता है। जबकि लॉन्गेस्ट सेल में काउंट करते हैं नर्व सेल। अगर लार्जेस्ट काउंट करें इन डायामीटर तो वो होती है ओस्टिक एग। सेल नंबर हम कर चुके हैं, सिंगल सेल होती है, नंबर ऑफ सेल्स होती है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल किस चीज़ की बनी होती है। सेल में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारे पास प्लांट सेल का एक डायग्राम है और एक एनिमल सेल का। ये आप 8th क्लास में पढ़ चुके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड लेयर की बनी होती है। इसमें दो तरह के प्रोटीन, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें दो तरह के प्रोटीन होते हैं, इंट्रेंसिक प्रोटीन और एक्सट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक का मतलब आउटर, तो ये आपको एक्सट्रेंसिक प्रोटीन नज़र आ रहा है और ये आपको इंट्रेंसिक प्रोटीन नज़र आ रहा है।
तो जो अंदर तक जा रहा है ये इंट्रेंसिक है, जो आउटर मेम्ब्रेन पे है ओनली वो एक्सट्रेंसिक है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड्स की बनी होती है, तो हम ये कह सकते हैं फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल की बनी होती हैं जो इसके अंदर इस तरह से फ्लोट्स कर रहे हैं। तो ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा काम क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? सेल के अंदर जितनी भी एंट्री होती है, चाहे वो न्यूट्रिएंट की हो चाहे वो फॉरेन मटेरियल की हो, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन का भी काम करती है, फॉरेन मटेरियल को तो रोक देती है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट है, जो काम की चीज़ है, उसको अंदर क्या कर देती है? पास कर देती है। और ये पास होता है सब डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूज़न होता है जिसमें हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन सब्सटेंस मूव करता है सेल के अंदर, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न प्रोसेस। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। तो सेल के अंदर इस तरह से न्यूट्रिएंट एंटर करते हैं डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू। तो ये हमारे पास डिफ्यूज़न प्रोसेस है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को SPM बोल देते हैं। SPM का मतलब है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जो सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल को एंटर करने देती है, बाकियों को नहीं करती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ऑक्सीजन एंटर करती है सेल में, ये भी डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू करती है, थ्रू द SPM प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू करती है। इसी तरह CO2 रिमूव होती है, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होती है। इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ये प्रोसेस भी यही है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन बट थ्रू द SPM। अगर ये SPM के थ्रू होता है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, तो इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल, एक एग सेल, एग सेल को आप या एग को आप वाटर के अंदर रखिए, वाटर के अंदर रखोगे आप देखोगे थोड़ी टाइम बाद वो एक्सपेंड हो जाता है, यानी उस मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर उसमें एंटर कर गया, जिसके कारण से वो स्वेल्व अप कर गया। अगर आप उसको सोल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप उसको वाटर में रखोगे, तो वाटर का मतलब है जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक। यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो वो स्वेल कर जाएगा, विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। अगर सोल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो श्रिंक कर जाएगा, विच कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। इसी तरह से अगर हम RBC रेड ब्लड सेल, जिसको एनिमल सेल भी काउंट करते हैं, उसको अगर हम रखते हैं हाइपोटोनिक में सॉल्यूशन में, जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो वो स्वेल अप कर जाएगी और ब्रस्ट कर जाएगी। प्लांट सेल को रखेंगे तो वो स्वेल तो करेगी लेकिन ब्रस्ट नहीं करती, क्योंकि सेल वॉल जो है उसको ब्रस्ट करने से बचाता है। अगर एनिमल सेल और प्लांट सेल को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो हाइपरटोनिक में रखते ही प्लांट सेल श्रिंक हो जाती है, यानी सारे वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देती है। अगर वाटर मॉलिक्यूल को लूज करती है तो इसको बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। और प्लांट सेल के केस में अगर एक्सो ऑस्मोसिस होता है, उसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। यानी अगर प्लांट सेल को वाटर में रखेंगे, हम सोल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे, तो सारा वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस और प्लाज्मोलाइसिस। इसके अलावा एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर का जो कंसंट्रेशन है और जो उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसका जो कंसंट्रेशन है, दोनों इक्वल होंगे, यानी 50-50% हो, तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। जैसे रिंगर सॉल्यूशन, ये हमारे पास आइसोटोनिक है। तो यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, हाइपरटोनिक में सेल का साइज बड़ा है, आइसोटोनिक में सेम है और हाइपरटोनिक में श्रिंक किया हुआ है। तो RBC को रखा हुआ है, अगर RBC श्रिंक करती है तो इसको हम बोल देते हैं RBC हेमोलाइज्ड या RBC क्रिनेटेड।
यहाँ वही एक सेल से है, एक में एक्सपेंड कर जाती है। एक्सपेंड में हम ये कह सकते हैं हाइपोटोनिक में तो एक्सपेंड कर रही है, जबकि अगर हाइपरटोनिक की बात करें तो श्रिंक कर रही है। ये एक एक्टिविटी है रेजिन्स के थ्रू, तो ये भी वाटर के अंदर यानी हाइपरटोनिक में तो एक्सपेंड कर रही है, लेकिन सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर ये क्या कर रही है, श्रिंक कर रही है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस यही है। ऑस्मोसिस SPM के थ्रू होता है, लेकिन डिफ्यूजन में कोई सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती। ऑस्मोसिस कंटिन्यूसली चलता रहेगा, यानी कभी एंड नहीं हो सकता है। जबकि डिफ्यूजन की बात करें तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस है, अगर दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी तो ये आके रुक जाएगा। तो डिफ्यूजन प्रोसेस एंड हो सकता है, जबकि ऑस्मोसिस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। डिफ्यूजन में कोई SPM की जरूरत नहीं पड़ती, ऑस्मोसिस के अंदर SPM की जरूरत पड़ेगी आपको। ट्रांसपोर्ट सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है फैसिलिटेटेड या डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की बात करें तो हमने पढ़ा पहले, जैसे O2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करती है, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस है। ये हमारे पास इस ट्रांसपोर्ट में किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये हमारे पास डिफ्यूजन प्रोसेस है। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनको हम मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट में काउंट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो इसमें आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ये बिल्कुल डिफ्यूजन का अपोजिट है। डिफ्यूजन होता था मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट नहीं होगी, इसमें अपोजिट होता है लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन। जैसे एग्जांपल ले लो, कहता है पोटेशियम आयन्स जो है वो हमारी सेल्स में जाके स्टोर होता है, कॉन्टिन्यूसली हम उसको स्टोर करते रहते हैं, तो वहाँ जो है उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है जबकि बाहर लो होती है। फिर भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन कॉन्टिन्यूसली ये पोटेशियम आयन्स जो हैं ये बॉडी सेल्स के अंदर स्टोर होते रहते हैं, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है, ये लो टू हाई चल रहा है। और ये पॉसिबल तब है जब आप उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे, तो इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चलता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जबकि डिफ्यूजन इन द फेवर ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है और कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस की बात करते हैं, इनटेक ऑफ मटेरियल, इंजेशन ऑफ मटेरियल होता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में एक होता है फैगोसाइटोसिस, एक होता है पोटोसाइटोसिस। अगर फूड लिया जाता है तो इनटेक ऑफ सॉलिड फूड मींस फैगोसाइटोसिस, और इनटेक ऑफ वाटर मींस या पोटोसाइटोसिस। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं जिसमें आपको नजर आ रहा होगा, फैगोसाइटोसिस में ये फूड वैक्यूल बन रही है जो अमीबा के अंदर बनती है, फर्स्ट डायग्राम में। पोटोसाइटोसिस के अंदर सेल ड्रिंकिंग हो रही है, तो ये हमारे पास एंडोसाइटोसिस के डायग्राम है। तो ये फैगोसाइटोसिस में अमीबा स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड को कैप्चर कर रहा है, तो फूड वैक्यूल बन रही है, ये फैगोसाइटोसिस है। तो फैगोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का पार्ट होता है, यानी एंडोसाइटोसिस में कोई भी चीज हम इंजेक्ट कर सकते हैं, इंजेक्शन ऑफ मटेरियल सॉलिड और लिक्विड कुछ भी कर सकते हैं। जबकि फैगोसाइटोसिस की बात करें तो उसके अंदर इनटेक ऑफ फूड होता है ओनली, सॉलिड फूड। एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है इजेशन ऑफ द मटेरियल, यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है जब उसको रिमूव करते हैं तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू करते हैं। तो इस तरह से पहले एक वैक्यूल बनती है जिसमें वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाता है, तो वहाँ थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस ये बाहर निकल जाता है, इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस।